मैं पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते समय, हमारे जो नवी मुंबई की दो विधानसभा है, जो जिला है नवी मुंबई जिला, उस बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उतने तक ही अपने आप को सीमित रखा था। क्योंकि जिलाध्यक्ष जी ने कहा था, सीमित काम लो लेकिन काम परफेक्ट करो। ये हमारे जिलाध्यक्ष संदीप जी नाइक साहब का सबको आदेश ही था एक तरह से, और उन्होंने कार्य प्रणाली में झोंक भी दिया था। पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी हर घर पहुंचना ये काम कर रही है। विविध कार्यक्रम पार्टी से आ गए, हर एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष संदीप नाइक जी के नेतृत्व में हमने किया हुआ है, और ऑलमोस्ट 70 से 80% घरों में हम लोग फिजिकल पहुंच गए। अब हमारी अपेक्षा ये थी, जिस तरीके से जो ठाणे लोकसभा का माहौल है, तो हमारी एक अपेक्षा थी कि हमको ये टिकट मिल जाएगा करके, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुना जाएगा, और शिवसेना शिंदेगढ़ अजीत पवार साहब का एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों मिलके चुनाव लड़ेगी। उस हिसाब से हमारा प्रिपरेशन था, लेकिन पार्टी के हमारे जो नेतृत्व है, नेतृत्व ने ये डिसाइड किया कि ये सीट जाएगी शिवसेना शिंदेगढ़ को, नरेश मिश्रे जी को। हमने मान लिया, ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष हो गया, जैसे हर एक पार्टी में हो जाता है, जब मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए और मुझे नहीं मिलता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर जिलाध्यक्ष जी ने सारी की सारी सिचुएशन नॉर्मल करके सबको काम पे लगा दिया, और 51% वोट हर एक बूथ के ऊपर लाने के लिए जो यंत्रणा दी, यानी हमारे यहाँ करीब करीब 807 बूथ है, 807 बूथ के अध्यक्ष उनके साथ कई जगह पे पन्ना प्रमुख तक की नियोजन हमने कर ली थी, और ऑलमोस्ट एवरी जगह पे 1+10 का हमने नियोजन किया हुआ था। उस वजह से कार्यकर्ता अपने बूथ के तरफ सीमित था, अपने बूथ पे टारगेट लेके काम कर रहा था। इस वजह से कल जो चुनाव आने वाले हैं या कल काउंटिंग होने वाली है, तो उस काउंटिंग में हमारा विजय, यानी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी एनसीपी युति का उम्मीदवार नरेश मस्के जी 100% चुन के आ रहे हैं। हम लोग सारे नरेश मस्के जी के तरफ से ही काम कर रहे थे, नरेश मस्के जी जाके मोदी जी के लिए ही काम करने वाले हैं। तो पिछले 5 साल में नहीं, पिछले 10 साल में जो योजनाएं केंद्र से आई, वो लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने किया हुआ है। एक फैमिली की तरह हमने काम किया हुआ है। शिंदे गुट ने भी, कार्यकर्ता हमारे साथ थे, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि आप लोग का इतना ऑर्गेनाइज काम हमको भी पता नहीं था। एनसीपी का तो उन्होंने कबूली ही दे दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज है, वैसे कोई भी पार्टी नवी मुंबई में ऑर्गेनाइज नहीं है। दूसरी बात, जीत के लिए सिर्फ का उम्मीदवार होता है उसका घूमना जरूरी नहीं होता है। पिछले 10 साल में नहीं किए गए काम, ये भी आज लोगों के सामने है ना। तो जिसने जिस आदमी ने काम किया नहीं है, जिस आदमी ने नवी मुंबई की तरफ देखा नहीं है, उसको लोग क्यों चुन के दे, लोगों ने हमको ये प्रश्न पूछा। और ज्यादातर वोटर का मैंने जो बात किया, मेरा बहुत सारा संपर्क जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है ऐसे लोगों से भी होता है, उनका एक ही कहना है कि मोदी जी को हम लोग वोट दे रहे हैं करके, तो फिर बाकी के फैक्टर आते ही नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है नवी मुंबई का, नवी मुंबई में 4,08,000 के करीब वोट गिर गए। अध्यक्ष जी को मैंने कहा था कि 4,08,000 48% के करीब वोटिंग हो गई, तो 4,08,000 के करीब मतदान हो गया। अब 4,08,000 के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोग ने 51% के लिए काम किया हुआ है, तो हमको पता है कि हमने 51% वोटर कितने लेके आए, तो 2,08,000 के करीब वोट आ गए। अब बचे कितने, आपके 1,98,000 या 1,95,000 के करीब वोट गए। 1,95,000 के वोट गए तो आपका चला गया डिफरेंस, आ गया आपका 1,95,000 और इंडिपेंडेंस का 45,000 चला गया, तो करीब करीब 1,25,000 उनको मिलेंगे। 2,08,000 से लेके 2,25,000 तक हम लोग को मिलेंगे। अब 1,25,000 के करीब हमको लगता है कि नवी मुंबई से लीड मिल जाएगा, यानी हर एक विधानसभा से 50,000 से लेके 65,000 के बीच में हम लोग लीड दे रहे दोनों विधानसभा से। वही पैटर्न आपका मीरा भाईंदर में भी मेरे हिसाब से होगा, वही पैटर्न आपका पास पाकड़ी से होगा, शिंदे जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा, और संजय केडकर जी से कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो 2-2.5 लाख का अंतर से, ज्यादा ही अंतर से राजन विचारी जी पराभूत होंगे और नरेश मस्के जी विजयी हो जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है जो मुझे समझ में आया हो। नरेश मस्के जी ये नई पार्लियामेंट में थाने का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे,
और मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा, नवी मुंबई जिला अध्यक्ष जी का, जिन्होंने पूरे दिन भर हर एक बूथ के ऊपर अपनी विजिट दी, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, और जो भी कोई कमी था, उनको स्टेशनरी की कमी थी या कुछ कमी थी, तो वो सारी की सारी कमियां पूर्ति करके सभी कार्यकर्ताओं को बाद में फिर से बुला के सबका आभार भी प्रकट किया। कोई 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 हॉस्पिटल में थे वो भी अपने काम पे चले आए थे, किसी ने छुट्टी ले लिया था उनको भी धन्यवाद दे दिया। तो एक सौहार्द का वातावरण में अभी हम लोग मिशन विधानसभा की तरफ आगे जा रहे हैं, यही मैं बता सकता हूँ इस वक्त। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।